पढ़ने जा रहे हैं फायर फाइटिंग फॉर्म के बारे में। फायर फाइटिंग फॉर्म कैसे बनता है, इसको ये कितने प्रकार का होता है, इस बारे में डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा फायर फाइटिंग सेफ्टी के बारे में कम्प्लीट, जो इक्विपमेंट्स हैं उसके जो और टर्म्स हैं उसके बारे में कंप्लीट हम वीडियो फायर फाइटिंग की बना चुके हैं। तो कृपया करके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। फायर फाइटिंग फॉर्म क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसका कंपैरिजन करेंगे आज हम इस वीडियो में। स्वागत करता हूँ टैकी गुरुकुल चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे फायर फाइटिंग के वीडियोस पूरी डिटेल में और इसके साथ ही एजुकेशनल वीडियोस भी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फायर फाइटिंग फॉर्म क्या होता है, हम सबको पता है जो पानी होता है वो तेल से भारी होता है। तो हमारी क्लास बी की जो फायर्स होती हैं, क्लास बी की फायर्स पर अगर हम पानी अप्लाई करेंगे तो पानी हैवी होने के कारण उसके नीचे चले जाएगा और इफेक्टिव फायर फाइटिंग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर बॉयल ओवर का खतरा बढ़ जाएगा। बॉयल ओवर के बारे में अगर आपने डिटेल वीडियो देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो फायर फाइटिंग में जो क्लास बी की फायर फाइटिंग होती है उसमें हम पानी यूज़ नहीं कर सकते, वो एडवाइजेबल नहीं है, वो उसके कुछ रिस्क हैं। तो उससे बचने के लिए, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, हम पानी में ही कुछ सोल्यूशन मिला के, इसमें फोम कंपाउंड मिला के हम एक झाग तैयार करते हैं जिसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं, उनके अंदर एयर भी होती है। उसको जब हम फायर फाइटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं तो जो झाग बनता है उसको हम फायर फाइटिंग फोम बोलते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, इसका एक मैकेनिकल फोम और एक केमिकल फोम। और ये दो तरह से आग बुझाता है, एक तो ये जो इसके ब्लैंकेटिंग करता है, जो हमारा ऑल सरफेस है जो भी है कंटेनर में आवे से उसके ऊपर लेयर बिछाता है, और दूसरा ये है इसके अंदर जो पानी होता है वो जो फ्लेम की टेम्परेचर होता है उसको डाउन करने में काम आता है। फोम का जो इन्वेंशन है वो 1902 में रशियन इंजीनियर थे लोरान, तो उन्होंने इसका इन्वेंट किया था। होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल फोम दूसरा केमिकल फोम। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा केमिकल फोम है वो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट को मिला के जब बनाते हैं मिलाते हैं तब ये फॉर्म बनता है। और जो हमारा CO2 होता है एज ए प्रोपेलेंट हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि उसको थ्रो किया जा सके फायर के ऊपर। तो हमारा मैकेनिकल फॉर्म है, फॉर्म इसको हम जो कंपाउंड हमारा फॉर्म कंपाउंड AFFF है, AR है या दूसरा प्रोटीन फॉर्म है उसको मिला के फॉर्म ब्रांच की हेल्प से या फॉर्म जनरेटर की हेल्प से जब उसमें एरिएशन होता है तब ये फॉर्म हमारा तैयार होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, केमिकल फॉर्म में और जो मैकेनिकल फॉर्म में उसमें डिफरेंस क्या है। जो केमिकल फॉर्म में है वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युम सल्फेट मिला के बनता है, जबकि मैकेनिकल फॉर्म होता है, मैकेनिकल फॉर्म हमारा जो फॉर्म कंपाउंड है उसको ब्रांच में या फॉर्म जनरेटर में एडिशन करके बनाया जाता है। फिर जो केमिकल फॉर्म में इसके जो बबल्स होते हैं उसमें CO2 भरी होती है, जबकि हमारा जो मैकेनिकल फॉर्म होता है जब इसके जो होता है उसमें नॉर्मल हवा जो एटमोसफेयर से लेते हैं सिर्फ वही होती है। तीसरा, ये जो केमिकल फॉर्म है इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये कम मात्रा में जनरेट हो सकता है, अचानक इसको आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा, उसकी कुछ लिमिटेशन। उसके विपरीत अगर हम मैकेनिकल फॉर्म को बड़े लेवल पर बनाना चाहें तो काफ़ी जल्दी ये बन जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्म का जो एक्सपेंशन रेशियो है वो 1:8 होता है, वो एक के एक सोल्यूशन के मुकाबले 8 तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जबकि हमारा जो मैकेनिकल फॉर्म होता है वो 1:1500 तक बन सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है मैकेनिकल फॉर्म एज कम्पेयर टू केमिकल फॉर्म देखे तो। फिर उसके बाद आता है हमारे जो केमिकल फॉर्म होता है कार्बन एक्सटिंग्विशर वगैरह में छोटे उसमें बनाए जाते हैं, उसको फेंकने के लिए जो हमारा एज ए प्रोपेलेंट हम यूज़ करते हैं, उस CO2 या नाइट्रोजन भी कर सकते हैं, जबकि हमारा जो फोम है केमिकल फोम, ये हमारा जो वाटर या प्रेशर है उसके द्वारा हम इसको काफ़ी दूर तक फेंक सकते हैं। जो
केमिकल एक्सटिंग्विशर है वो केमिकल फॉर्म में उसको बनाने के लिए में केमिकल एक्सटिंग्विशर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर वो मिलेगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तभी वो फॉर्म जनरेट हो पाएगा। जबकि मैकेनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें ब्रांचेज, फॉर्म जनरेटर्स, पंप की सहायता से मिला के इसको बना सकते हैं। तो ओवरऑल आपने देखा जो हमारा केमिकल फॉर्म है इसके मुकाबले हमारा जो मैकेनिकल फॉर्म है ये कहीं बेहतर है, कहीं अच्छे से काम करता है, इसकी स्टेबिलिटी केमिकल फॉर्म के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। तो आज की वीडियो में आपने देखा डेफिनेशन ऑफ फॉर्म, फॉर्म क्या होता है, इसके यूज़ क्या है, टाइप्स ऑफ फॉर्म, फॉर्म कितने प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल एक केमिकल। उसके अलावा आपने दोनों में कंपैरिजन किया मैकेनिकल फॉर्म और केमिकल फॉर्म में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।